अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आप लोगों को एक बार फिर से कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी में हम करेंगे और मानसून की प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे, साहली पट्टी के मौसम के बारे में बात करेंगे, थर के इलाकों में मानसून की बात करेंगे, मानसून की मौजूदा प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी की लाइव वेदर अपडेट्स में। और आज है संडे और काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर काफ़ी दिनों से जो है वो चल रहा है। सुबह सिंध की कोस्टल बेल्ट में, अपर और सेंट्रल सिंध के अंदर भी काफ़ी गर्मी की लहर चल रही है। तो आज जैसे कि आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी अब जो है वो अच्छे खासे एक्टिव हो चुके हैं, मॉनसून की जो विंड्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इंटरेक्शन से भी काफ़ी मज़बूत बादल बलूचिस्तान के इलाकों में बन रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी इलाकों की तरफ सिंध के जो है वेस्टर्न और नॉर्दर्न इलाकों में भी बढ़ रहे हैं बारिशों के लिए। और विंदर खुजदार यहाँ पर जो है बादल मौजूद हैं इस टाइम भी, और मुख्तलिफ़ इलाकों में बलूचिस्तान के बारिश हो रही हैं। सिंध की हम लोग बात करें तो इस वक्त गुजरात से कुछ बादल जो हैं वो थर के इलाकों में एंटर हो रहे हैं और आज बारिश के इम्कान मौजूद हैं रात में, देर रात को इंशाल्लाह थर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। और मानसून का फैलाव इंशाल्लाह 20 जून के बाद से मज़ीद रैपिड प्रोग्रेस करेगा। और कराची की बात करें तो कराची में नम और पसीना वाला मौसम चल रहा है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, हीट इंडेक्स जो है वो ज़्यादातर टेम्परेचर्स 34 to 35 के बीच में होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से 42 तक रियल फील किया जा रहा है टेम्परेचर। तो आने वाले दिनों में यही सूरत हाल रहेगी, बारिश से पहले जो है वो गर्मी बनी रहेगी और रातें जो है नस्बतन बेहतर होंगी, कुछ बूंदाबांदी कुछ जगहों पर हल्की बारिश इंशाल्लाह इन समंदरी बादलों से जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इंटरेक्शन से कहीं कहीं पे पासिंग शावर्स और लाइट रेन भी देने की अहलियत रखेंगे। तो आने वाले पाँच से छः दिनों की बात मैंने आपसे की है और इंशाल्लाह तकरीबन 20 जून के बाद मानसून की प्रोग्रेस सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। बलाई इलाकों में भी अब से कुछ देर पहले पिंडी इस्लामाबाद की तरफ बारिश रिकॉर्ड की गई है, मुल्तान में भी इस टाइम आंधी आई हुई है और अपर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में डेवलपमेंट्स पॉसिबल हैं। लेटर ऑन कराची में आउटफ्लो आ सकता है इसका। तो ये अपडेट्स आप लोग देख रहे हैं कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी पे। और इस वक्त मानसून की जो मौजूदा पोजीशन है वो तकरीबन गुजरात को टच करते हुए अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है और मानसून अपने मुकर्रर से 5 से 10 दिन पहले सुबह सिंध के इलाकों में पहुँचने की उम्मीद है। आज कुछ मॉडरेट किस्म की हवाएं थर पारकर के इलाकों में पहुंचने की उम्मीद है, जिससे बारिश होने की तवक्कात हैं और इंशाल्लाह मज़ीद ये एक्टिविटी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ये अपडेट्स आप लोग कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी पे देख रहे हैं। सिंध कोस्ट पे भी बाकी कराची जैसा ही मौसम रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड विद हाई हीट इंडेक्स, गर्म मरतु मौसम, ज़्यादा टेम्परेचर के साथ जो कि हीट इंडेक्स को ऐड करने के बाद बनते हैं। और साहली इलाकों में मतलब जज्वी तौर पर अबर आलूद और सी विंड्स चलने के साथ साथ रात में लाइट रेन ड्रिजल के भी चांसेस बरकरार रहेंगे। तो यह वेदर अपडेट्स आप लोगों ने देखा कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी पे। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है जल्दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एडमिन आतिफ शेख को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।